नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज हूं मैं सर के साथ। ये आपके जाने माने चेहरे हैं, इनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं अपने चैनल के लिए, अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए एक छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। सर हैं DD रामावत। आज हम इनके पास आए हुए हैं और ये हमेशा पशुपालकों के लिए लगातार नियमित रूप से इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी आपको वीडियो के माध्यम से है ना संदेश पहुंचाते रहते हैं। तो मैं आज सर के पास इनका आशीर्वाद लेने आया हूं और मैं ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए सर से ही परिचय दिलवाना चाहूँगा कि सर हम कहाँ पर हैं, सर इस फील्ड में कैसे आए, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो यूट्यूब तक कैसे पहुँचे और फिर हमारे साथ ये जुड़ने का मकसद क्या रहा, फिर जो बकरी पालक हैं हमारे उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर। तो सर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आपका। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, हरीश जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, सुकांत जी चावला साहब डॉक्टर साहब आए हैं तो इनको भी मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि आज हमारे छोटी खाटू ये पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इन सबका। मैं पशु चिकित्सा के क्षेत्र में 2001 से हूँ, पहले इंचार्ज वेटनरी हॉस्पिटल रानीगांव था और लगातार काम कर रहे हैं हरीश जी। तो काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में पशुपालक भाइयों को कई बातें पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी वजह से जानबूझ के बीमारी पैदा कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ। बीमारियाँ होना अलग बात है और बीमारी अपने आप पैदा कर देना अलग बात है। वो अलग बात। तो ऐसी स्थिति अगर हमारे साथ कहीं पे भी आती थी फील्ड में जी जी। तो हमें लगता था कि अगर इनको ये जानकारी होती जी जी। तो ये बीमारी नहीं होती, समस्या भी नहीं होती, वो समस्या नहीं होती। तो ये बातें जब मेरे सामने आई तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म, YouTube का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मैं पशुपालक भाइयों को जागरूक करूं। और मैं काफ़ी हद तक सर इस मामले में सफल भी हुआ। नहीं, 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 क्योंकि लोग पूरे भारतवर्ष से और भारतवर्ष से बाहर से भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि वास्तव में आप अच्छा बता रहे हो और जो चीज़ें मैं बताता हूँ, घरेलू चीज़ें बताता हूँ तो उनको समझ में भी आती है और घर का जो भी सामान है उससे वो अच्छी चिकित्सा कर लेते हैं। और मेनली चिकित्सा से ही जरूरी ज़्यादा है प्रिकॉशंस, यानी जो चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर ध्यान में रखें तो वास्तव में बीमारी से बचा सकते हैं, जिनमें से मुख्य अभी डॉक्टर साहब से चर्चा चल ही रही थी, जैसे डिवॉर्मिंग की है। कई ऐसे पशुपालक भाई हैं जो डिवॉर्मिंग के बारे में जानते भी नहीं थे जी जी। तो वो बहुत बड़ी समस्या थी। खैर विटामिन्स और मिनरल्स वाली बात आई। हाँ। कई चीज़ें किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें खिलानी चाहिए, किस मौसम में कौन सी चीज़ें खिलानी चाहिए, ये सभी बातें अगर पशुपालक भाइयों को पता होगी तो समस्या नहीं होगी, बीमारियां नहीं होगी। हमें प्रसव के समय गाय भैंस बकरी जब बच्चा देती है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर पशुपालक भाई को पता है तो बीमारी होगी नहीं। तो ऐसी बातों से मैं प्रेरित हुआ कि क्यों ना सार्वजनिक स्तर पर बताया जाए। और मुझे आप लोगों के सभी के आशीर्वाद और सहयोग से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और आज बहुत अच्छे लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर क्षेत्र में मैं, चाहे पशु चिकित्सा के क्षेत्र में एलोपैथिक मेडिसिन बताता हूँ, आयुर्वेदिक हो, जो भी हो, बहुत अच्छा प्यार मिलता है सर। सर ये तो आपका प्रयास है जो कि आप इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी लगातार आप वीडियो के माध्यम से हमको संदेश देते रहते हैं। सर का जो मैंने बिजी शेड्यूल देखा कि सर सुबह से लेकर शाम तक, और जो वीडियो आप लोग देखते होंगे सर को वो रात में शूट करते हैं, तो एक कितना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी सर का दिन में फिर रात में वीडियो शूट करना, वो जानकारी आप तक लेकर आना, ये बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा काम है। जैसा कि मैं एक यूट्यूबर हूं, मैं जानता हूं कि एक वीडियो शूट करने पर, उसे एडिट करने पर, फिर उसे आप तक पहुंचाने में कितना समय लगता है। तो सर का इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं, ये प्रयास बिल्कुल सराहनीय है। सर से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, ज़्यादातर जो मेरा मेन मोटो है मेरे चैनल का वो एग्रीकल्चर या फार्मिंग से, ज़्यादातर गोट फार्मिंग से रिलेटेड है। तो जो हमारे भाई हमें देख रहे हैं है ना, आपने तो एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल भी बनाया है, मैं सर का चैनल का नाम भी जानना चाहूँगा सर, एक जो दूसरा जो बकरियों के लिए है वो बता दीजिए। बकरियों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, मेरी पूरी टीम ने ही, वो है बकरी का इलाज और देखभाल, जिसमें हम सिर्फ जो गोट फार्मिंग करते हैं उन्हीं के लिए पूरी की पूरी जानकारियां लेके आते हैं, चाहे वो पशु चिकित्सक से संबंधित हो, रख रखाव से संबंधित हो, ये सारी बातें। और जैसा कि हरीश जी ने बताया कि बकरियों के मामले में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आजकल वास्तव में युवाओं का सर रुझान जो है वो बकरी पालक बनने का है और बढ़ रहा है रुझान। तो मैं सभी को प्रोत्साहन के तौर पर ये बताना चाहूँगा कि आप बकरी पालन करें,
बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, लेकिन गलतियां ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। पहला जैसा कि सर कर ही रहे हैं, ब्रीड का चुनाव, ब्रीड का चुनाव सबसे पहले होना, सबसे पहले होना चाहिए। तो ब्रीड का चुनाव आप अच्छा करें, अच्छी ब्रीड लेके आए और अच्छी ब्रीड से शुरुआत करें। उसके बाद आपका जो भी आप फॉर्म बना रहे हैं, जो व्यवस्था आप कर रहे हैं, वो एकदम से शानदार करें। मैं कई फॉर्म की फोटोज देखता हूँ तो वहाँ जैसे कीचड़ वगैरह रहता है, वो वास्तव में अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि लकड़ी का आप बनाए, सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, तो लकड़ी का फ्लोर बनाए और वो फिर लकड़ी की पट्टियों से बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, उससे क्या होगा कि बीच में हर पट्टी के बीच दरार रहेगी, तो जो भी वो टॉयलेट वगैरह करेगी वो नीचे चले जाएगा, तो गीलापन नहीं रहेगा। और अमूमन जो इन्फेक्शन हो रहे हैं, बीमारियां हो रही है, वो गीलेपन की वजह से हो रही है। इन्फेक्शन वहीं से होता है। बिल्कुल, नीचे आप नाली लगा दें, उस नाली के माध्यम से बिल्कुल जो भी पानी है वो भी निकल जाएगा और जो भी पेशाब वगैरह कर रही है वो भी निकल जाएगा। इसके अलावा बकरी पालक भाइयों, डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन। अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन सभी पशुपालक भाई करने लग गए, सर नोट करना, अगर वैक्सीनेशन करने लग गए, मिनरल्स वगैरह देने लग गए और डिवॉर्मिंग करने लग गए, तो हम डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समस्या ही खत्म हो जाएगी। 90-95% समस्याएं तो उनकी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, क्योंकि कुहावत है सर अंग्रेजी में, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सही बात है। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो अधिकतर हम ध्यान नहीं रखते हैं, उसी वजह से आ रही है। तो वैक्सीनेशन के बगैर होता क्या है, हम सोचते हैं यार पिछले साल हमने नहीं करवाया था तो इस बार भी बीमारी नहीं आएगी, ये कोई जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, PPR है, ET है, ऐसी बीमारियां पूछ के नहीं आती। एक छोटा सा बैक्टीरिया, एक छोटा सा वायरस जो हमें आंखों से नहीं दिखेगा, हमारी बकरियों में घुस जाएगा और उन्हें बीमार तो क्या, उनकी जान ही ले लेगा। और कई बार देखे हैं हमने, कई फार्म खाली हो जाते हैं बीमारी की वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल। वो भी एक छोटा सा एक रुपए का टीका आपकी बकरी की जान बचा सकता है। लापरवाही सर होता है ना, लापरवाही चाहे वो कोई सी भी हो, हाँ लापरवाही काम की नहीं है, लापरवाही है, चाहे वो छोटी हो, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे आपकी वो बिल्कुल बिल्कुल 100 रुपए की हो, और तो लापरवाही का जो परिणाम क्या होता है, फिर हमें काफी बड़ी संख्या में उठाना पड़ता है। बिल्कुल उठाना पड़ता है। किसान थोड़ी समझदारी रखें और उनमें लापरवाही नहीं करें, बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लापरवाही एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर हमसे हो गई है तो बहुत बड़ा नुकसान पैदा कर सकती है। यहाँ तक कि कई बार फार्म को बंद भी करना पड़ता है, ऐसी समस्याएं लोगों के साथ आती है। उसको लापरवाही है ना सर, उसको लापरवाही को जल्द से जल्द सुधारना बहुत का रूप ना दें, बहुत जरूरी है। और कोई बड़ी बात भी नहीं है सर, बड़ी बात नहीं है। डिवॉर्मिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर आप डिवॉर्मिंग करेंगे तो जो भी आप खिलाएंगे पिलाएंगे वो बकरी को सारा अच्छी तरह से शरीर को लगेगा भाई, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और सारा ही अच्छा रहेगा। और मिनरल्स की बात जहां तक चलती है, जो भी चारा दाना बांटा हम देते हैं उसमें मिनरल्स की वास्तविक रूप से कमी होती है। जी, क्योंकि आजकल एनवायरमेंटल कई प्रकार की दवाएं पेस्टिसाइड यूज करने लग गए, यूरिया ही तो खिला रहे हैं सर, यूरिया वही तो बात है ना, तो कई ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जिनकी वजह से विटामिन और मिनरल्स जो है वो बहुत कम बचे हैं, दाने में ले लो चाहे चारे में ले लो, तो इस वजह से ये आपको एडिशनल ऊपर से देने ही होंगे। और अगर रेगुलरली देते रहेंगे तो बिल्कुल बीमारियां होंगी ही नहीं सर, स्वस्थ रहेंगे बिल्कुल। आज सुबह जब फोन आया डॉक्टर साहब का कि हम आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हरीश जी और यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से देना चाहूँगा, हरीश जी की पूरी टीम आई है। हरीश जी, ये तो आपका बड़ा, तो मैं सर का है ना तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे लिए उन्होंने टाइम निकाला। और मेरे सभी बकरी पालकों से ये अनुरोध है कि सर की जो शिक्षा है ना उसको आप बिल्कुल अनुसरण करें, समय समय पर टीका करें, डिवॉर्मिंग करें, और जो हमारी जानकारी है वो आपके लिए लाभप्रद रहेगी हमेशा। मैं ये आप लोगों से वादा करता हूँ, सर से मैं लगातार जुड़ा रहूँगा और ऐसी जानकारी आप तक लेकर आता रहूँगा। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो था सर के बारे में और थोड़ा सा जो हमने इनके बारे में जाना वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।